Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच से पहले ही टिकट की कालाबाजारी हो रही है। टिकटों की कालाबाजारी करने के आरोप में एक 30 साल के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व दिल्ली के शक्करपुर में कल रात एक बिल्डिंग में आग लग गई, इसमें एक महिला की मौत हो गई है जबकि 26 लोगों को बचाया गया। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव अभियान अभी भी जारी है। सुरंग का एक हिस्सा टूटने और मलबा गिरने से 40 मजदूर अंदर फंस गए हैं। पंजाब में लगातार जल रही पराली और दिवाली पर जले पटाखों के धुएं की वजह से पंजाब के कई शहरों का एक युवा एक बार फिर बहुत खराब कैटेगरी में पहुंच गया है। दिल्ली की हवा फिर से खतरनाक हो गई है। आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 है और गुरुग्राम में ये 391 है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मंगलवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा हाईवे पर अनियंत्रित कार के ट्रक के नीचे घुसने से हुआ है। दिवाली के खास पर्व पर मुंबई में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसके बाद शहर का वायु प्रदूषण के साथ ही ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी ज्यादा दर्ज किया गया। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठों को कुनबी जाति के प्रमाण पत्र जारी करने पर सरकार के कदम पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा है वह अपने राज्यव्यापी दौरे के तीसरे चरण की शुरुआत 15 नवंबर से करेंगे। महाराष्ट्र के अहिल्याबाई होलकर नगर यानी कि अहमदनगर जिले के गुहा गांव में मुस्लिम समाज द्वारा भक्तों और पुजारी की पिटाई का मामला सामने आया है। सलमान खान के फिल्म टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान मुंबई के मालेगांव के एक थिएटर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। सिनेमाघर में पटाखे फोड़े गए जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। देश भर में दिवाली की धूम है। देश के अलग अलग शहरों में रोशनी का त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को दिवाली की बधाइयां दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लेपचा में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल यानी MSCI के स्टैंडर्ड इंडेक्स में कल 15 नवंबर से बदलाव होने जा रहा है। महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को बड़ी राहत मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई 5 महीनों में सबसे कम रही। अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस मामले के मुख्य आरोपी राहुल ने पूछताछ में यह कबूल किया है कि वो अखिलेश यादव को जानता है। अखिलेश के कहने पर पहले भी सांपों को नोएडा के स्टूडियो में लेकर आया है। इसराइल के रक्षा मंत्री का यो गैलेंट का कहना है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे से पूरे गाजा पर कंट्रोल करना आसान होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबला वानखेड़े में कल खेला जाएगा। एटली और शाहरुख खान की जोड़ी ने जवान जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है। वहीं डायरेक्टर ने किंग खान और विजय सेतुपति के साथ अपने नए फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद के बीच नई दिल्ली ने ओटावा को जोरदार पटकने दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को जबरन वसूली के मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए LGB ने सक्सेना से इजाजत मांगी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ NBC न्यूज पर। नमस्कार।